प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा शुक्रवार सुबह 9:26 पर पंचतत्वों में विलीन हो गई। नरेंद्र मोदी ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम सफर के दौरान वे मां की पार्थिव देह कंधे पर लेकर गांधीनगर स्थित घर से निकले। यात्रा के दौरान वे शव वाहन में ही पार्थिव देह के करीब बैठे रहे। हीराबा मोदी का शुक्रवार तड़के 3:30 पर UN मेहता अस्पताल में निधन हुआ। वे 100 साल की थी। मंगलवार देर रात सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उन्हें कफ की शिकायत भी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही निधन की जानकारी ट्वीट के जरिए दी। इसके बाद सुबह 7:45 पर अहमदाबाद पहुंचे। यहां से वे सीधे गांधीनगर के रायसन गांव में भाई पंकज मोदी के घर गए। पार्थिव देह यहीं रखी गई थी। मोदी के पहुंचते ही अंतिम यात्रा शुरू हुई। सेक्टर 30 स्थित शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना कोई तय कार्यक्रम रद्द नहीं किया। वे अंतिम संस्कार के बाद सीधे अहमदाबाद स्थित राजभवन गए। वे यहीं से बंगाल में हो रही राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में वर्चुअली जुड़े। उन्होंने हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली वंदे भारत की शुरुआत की। पहले उन्होंने हीराबा के बेटे होने का फर्ज निभाया। अंतिम संस्कार में वो शामिल हुए। अपनी मां को मुखाग्नि उन्होंने दी और उसके बाद मां भारती के बेटे होने का फर्ज उन्होंने निभाया और अपने कर्म पथ की ओर आगे बढ़ गए। तस्वीरें भी जरा आप देखिए, ये बेहद भावुक तस्वीरें, क्योंकि मां का महत्व हर व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्रधानमंत्री जी की माता श्री के निधन पर आज सारा राष्ट्र शोकाकुल है, दुखी है। हम आज उस माँ को नमन करते हैं जिसने नरेंद्र मोदी जैसा बेटा पैदा किया और राष्ट्र को गौरवान्वित किया। राष्ट्र स्वयं भी उनके प्रति कृतज्ञ महसूस करता है, श्रद्धान्वित है। बेटा सर्वोच्च पद पर है, इसके बावजूद माँ ने जिस शालीनता, सहजता और सरलता से अपना जीवन जिया, वह हम सब के लिए अनुकरणीय है, हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। यह सच है कि बेटा चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, माँ हमेशा उससे बड़ी रहती है। और इस सत्य को नरेंद्र भाई ने जाना, माना और जीवन में लागू भी किया। हमेशा माँ की शरण में रहे, माँ के चरणों में बैठे रहे। आज दुख और शोक की इस घड़ी में फर्स्ट इंडिया और भारत 24 परिवार पूरी तरह नरेंद्र भाई के साथ है, उनके दुख में बराबर का हिस्सेदार है और ईश्वर से यह दुआ करता है कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। अब इसी खबर को लेकर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी और कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, देखिए, प्रधानमंत्री ने सबसे पहले अपनी माँ के बेटे होने का फर्ज निभाया और उसके बाद माँ भारती के बेटे होने का फर्ज निभाते हुए कर्मपथ की ओर एक बार फिर से वो अग्रसर हो गए। आज एक बहुत बड़ा संदेश उन्होंने सभी भारतीयों को दिया। बिल्कुल आयुषी, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये वो जगह है जहां हीराबा रहती थी। नरेंद्र भाई के भाई सौ परिवार यहां रहते हैं। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं देश के, उनका परिवार यहीं रहता है और यहीं से जो आखिरी यात्रा सुबह थी आपने देखी होगी, वो यात्रा यहीं निकली थी जहां आपने बिल्कुल सही कहा, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, कर्तव्य पथ पर चलने वाले प्रधानमंत्री, ये तमाम लोग, तमाम जो रिश्ते उनके साथ जुड़ते हैं, उससे बड़ा रिश्ता उनका एक बेटे होने का था और उस बेटे होने का जो रिश्ता था उसकी अदायगी उन्होंने बहुत खूबी से की। आपने देखा होगा प्रोटोकॉल तोड़कर एक प्रधानमंत्री जो सुरक्षा के तमाम घेरे में रहता है, उस सुरक्षा के तमाम घेरों को तोड़कर अपनी माँ की अर्थी को कंधा दे रहा है। ये एक ऐसा संयोग है, ये एक ऐसा दुखद क्षण है जिसमें कि एक बेटा जो उस पद पर बैठा है जहां वो अपना दुख व्यक्त भी करना चाहता है फिर भी वो व्यक्त नहीं कर सकता है, क्योंकि एक पूरा देश अगर उस शोकाकुल है और उस शोक में शामिल हो सकता है,
तो प्रधानमंत्री ने ये दोनों तरीके के संदेश दिए, एक बेटे होने का जो फर्ज था वो बाखूबी निभाया उन्होंने, और उसके तुरंत बाद आपने देखा होगा कि बंगाल की कई परियोजनाएं थी, पश्चिम बंगाल आज उनको जाना था, रैली थी, निर्धारित कार्यक्रम था, तो उस निर्धारित कार्यक्रम के लिए जो लोग आए थे आयुषी, उसका दिल भी प्रधानमंत्री ने नहीं तोड़ा, और वहाँ जो राजनीतिक संवाद था वो संवाद भी उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की, सारी जो योजनाएं थी उसको हरी झंडी दिखाई, और यही नहीं रुके प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद राजभवन में लगातार मुख्यमंत्री के साथ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें की, और बैठकों में जो सबसे बड़ी चीज़ थी, जो लब्बोलुआब था उसका, जो गुजरात की योजनाएं हैं, जो चुनाव में घोषणा की थी भारतीय जनता पार्टी ने, उसकी समीक्षा की। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें प्रधानमंत्री की जो कर्तव्य निष्ठा है, प्रधानमंत्री का जो कमिटमेंट है, वो साफ तौर पर दिखता है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ नरेंद्र मोदी हीराबा के बेटे ही नहीं, वो माँ भारती के बेटे हैं, जैसा हमारे एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्रा भी अपने बाइट में कह रहे थे, उन्होंने भी जो इस चीज़ को दर्शाया है कि एक सहजता, एक सरलता और एक शालीनता थी, और उस तीनों चीज़ का निर्वहन प्रधानमंत्री ने बाखूबी किया है। प्रधानमंत्री यहाँ शाम में भी आए, हम लोग उस समय कवर कर रहे थे, उन्होंने अपने परिजनों से मुलाकात की, जो भाई और उनके परिवार हैं, सारा परिवार इस शोक के घड़ी में एकजुट रहा, जो तमाम आगे के कार्यक्रम होंगे उस पर प्रधानमंत्री ने अपनी सहमति दी, और उसके बाद फिर दिल्ली रवाना हुए। तो आप देखें, तमाम ये चीज़ें जो हैं वो बदस्तूर एक चेहरे, एक व्यक्ति के दो रूप कैसे हो सकते हैं, वो प्रधानमंत्री ने बिल्कुल करके दिखाया। एक माँ जिसके साथ उनका कितना आत्मीय संबंध रहा हो, आप देखें जब भी गुजरात का दौरा होता है प्रधानमंत्री का, जब भी वो आते हैं, आपने चुनाव में देखा, विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माँ से मिलकर उनका आशीर्वाद लेकर हर काम को सफल करने का अंजाम देते थे। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री होते हुए उन्होंने लगातार जो योजनाएं हैं, जो परियोजनाएं हैं, जो लंबित योजनाएं हैं, उसकी सुध ली। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताऊं कि हीराबा वो एक ऐसी नारी शक्ति थी जिन्होंने प्रधानमंत्री जैसे पुत्र को न सिर्फ पैदा किया, बल्कि जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा है, कई बार कहा है कि वो एक मुफलिसी भरी जिंदगी उनके परिवार जी रहे थे, और वहाँ से लेकर आप समझें कितनी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करते हुए यहाँ तक इस परिवार को पहुँचाया, तो इसका पूरा श्रेय जो है उस महिला शक्ति को जाता है, हीराबा को जाता है, जो प्रधानमंत्री मोदी की माँ है और माँ थी, और लगभग यही चीज़ प्रधानमंत्री भी अपने शब्दों से बयां करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं बताऊँ आपको, जब प्रधानमंत्री दोबारा आए थे इस घर पर शाम में, तो उनके चेहरे से जो दुख था, जो शोक था, वो साफ दिख रहा था। उन्होंने हम लोगों का अभिवादन लिया, जो अधिकारी खड़े थे, एसपी जी की सुरक्षा खड़ी थी, उनसे अभिवादन उनका स्वीकार किया, और वो अपने परिजनों से मिलने चले गए। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें थी जिसमें प्रधानमंत्री लगातार का ग्रस्त होते हुए भी अपने शोक को, अपने जो गरिमामयी पद है उस पर हावी नहीं होना देना चाह रहे थे। दूसरी बात, ये भारतीय इतिहास और भारतीय राजनीति में ऐसा कम अवसर आपको देखना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री माँ का निधन जहां हुआ हो, वहां एक ऐसा वातावरण हो जो बिल्कुल शांत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसको पब्लिक डोमेन में ना लाएं, ये व्यक्तिगत चीज़ है और उसी तरीके से इसको किया जाए। लगातार सोशल मीडिया पर आप देखें, देश विदेश तमाम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नेताओं की तरफ से शोक संदेश प्रधानमंत्री के समर्थन में आ रहे हैं, प्रधानमंत्री को संबल दे रहे हैं, उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो ये बताने के लिए बाखूबी हैं कि कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के पद पर अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो उसकी भूमिकाएँ कैसे हो सकती हैं और उस भूमिका में वो अपने आप को कैसे समाहित कर सकता है। बिल्कुल अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।